एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा जेटली। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता सा फेशियल बताऊंगी जो आपके ओपन पोर्स को बंद करेगा, कवर करेगा, पिंपल्स दूर करेगा और आपकी जो स्किन में कभी कभी थकान सी हो जाती है उसको भी कम करेगा, जो आंखों के नीचे पफनेस हो जाती है उसको भी कम करेगा और आपके जैसे टैनिंग हो जाती है वो भी दूर करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है और आप इसको आराम से घर पे कभी भी कर सकते हो। और अगर आपको जैसे नींद नहीं आ रही है और आपको थोड़ी सी थकान लग रही है तो आप इसको रात में सोते समय करोगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और ये आपके किचन से ही आपको मिल जाएगा, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करेंगे। जब स्किन में रिंकल्स पड़ने लगते हैं तो ये रिंकल्स को भी रिमूव करता है, स्किन को टाइट करता है। तो इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है और आपकी किचन से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसके लिए हम एक इस तरह से एक बाउल लेंगे, ये कांच का हमने लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपके पास कांच का नहीं है तो आप स्टील का कोई भी बर्तन ले सकते हो। इसके साथ ही हम लेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब और चिल्ड फ्रिज की बॉटल लेंगे। और हमने इसमें लिया है ये नीम रोज़ फ्लावर लिए हैं और कुछ ये गोल्ड मैरी के फूल लिए हैं और खीरे की स्लाइस लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह रोज़ वाटर डाल सकते हो। अगर रोज़ वाटर भी नहीं डालना तो सिर्फ आप ठंडे पानी और बर्फ़ से भी कर सकते हो। तो इसके लिए हम पहले इस पूरा पानी डाल देंगे। हम इसको इतना बड़ा लेंगे कि इसमें मेरा फेस चला जाए। आईज स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, ओपन पोर्स को कवर करती है, बंद करती है, ऑयल को कंट्रोल करती है और पिंपल्स को भी कम करती है। अगर किसी के पिंपल्स हैं तो आप ये लगाइए बर्फ तो पिंपल्स कम हो जाते हैं। और मेकअप करने से पहले भी हम आईज लगाते हैं तो मेकअप जो है आपका काफ़ी देर तक स्टे रहता है। तो आईज तो वैसे भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और स्किन में खूब अच्छा सा कसाव लाती है। अगर रिंकल्स पड़ने लगते हैं तो आप 2-3 दिन में एक बार जरूर करें तो ये बहुत फ़ायदा करेगी। इसके साथ ही हमने नीम की पत्तियां डाली हैं, नीम एंटीसेप्टिक होती है, ये सब हम ऑप्शनल डाल रहे हैं। अगर आप नहीं डाल सकते हो तो सिर्फ आप आइस से भी कर सकते हो। फिर हमने इसमें कुछ खीरे की स्लाइस डाली हैं और गुलाब का फूल लिया है, उसके पेटल्स डाले हैं, पंखुड़ियाँ डाली हैं। अगर आपके पास ये गुलाब फूल ना मिले तो आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हो। रोज़ वाटर तो वैसे भी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो रोज़ वाटर आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, स्किन को फ्रेशनेस देता है, बहुत अच्छा इफेक्ट। अब इसमें हमने गेंदे की पत्तियाँ, गेंदे की भी फूल की पंखुड़ी डाली है, ये आपके जो ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं स्किन में वो रिमूव करती है, पिंपल्स के दागों को भी कम करती है। तो गेंदे की पत्तियां भी बहुत फ़ायदा करती हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम इसको इस तरह से मिला लेंगे, फिर हम इससे स्टीम देंगे अपने फेस को। तो उससे पहले हम अपने बालों को अच्छे से बांध लेंगे और आगे भी हेयर बैंड लगा लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि फेस को उस पानी में डालना होता है तो आप सिर्फ आइस को ऐसे भी फेस पे लगा सकते हो। और हम टॉवल लगा लेंगे। अब हम इसमें आगे से हेयर बैंड भी लगा लेंगे अपने बालों में इस तरह से। अब हम इसमें फेस को डुबकी लगाएंगे इस तरह से और निकालेंगे, फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर डालेंगे। ऐसा हम कई बार करेंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको, तो बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा है क्योंकि काफ़ी गर्मी भी है इस समय। तो इस तरह से कई बार डालेंगे, निकालेंगे और आपके जो इसमें फूल की पत्तियों जो हैं पड़ी हैं तो उससे आपके फेस पे चिपक जाती हैं, तो आप उनसे हल्के हल्के मसाज भी कर सकते हो धीरे धीरे। और ये काफ़ी मतलब रिलैक्स देने वाला है। इसमें से हम खीरे की स्लाइस निकालेंगे, उसको ठंडा ठंडा हम अपनी आँखों पे रखेंगे और फिर हम उसमें डाल देंगे, फिर हम इसमें जो है लगाएंगे। और इससे आप जो स्लाइस है इससे हल्के हल्के से मसाज भी कर सकते हो, या जो गुलाब की पत्तियाँ और गेंदे की पत्तियाँ पड़ी हैं, तो ये आपका परफेक्ट एक फेशियल हो जाएगा। आपकी जो पिंपल्स के दाग होते हैं इससे बहुत जल्दी रिमूव होते हैं गेंदे की पत्तियों से।
गेंदे की पत्तियाँ स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, गुलाब की पत्तियाँ भी, और खीरा नीम। तो आप जानते हो नीम कितना एंटीसेप्टिक होता है, स्किन के लिए कितना फ़ायदा करता है। आपकी स्किन को जो ऑयल बैलेंस कंट्रोल करेगा, और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। आप मेकअप करना चाह रहे हो तो मेकअप से पहले भी एक आप आइस क्यूब को फेस पे पूरे लगा लो, तो आपका मेकअप काफ़ी देर तक स्टे रहेगा, वाटरप्रूफ हो जाएगा। और फिर हम स्लाइस को निकालेंगे, फिर इस तरह से आँख पे धीरे धीरे से दबा कर रखेंगे, तो जो मेरी आँख के नीचे से पफनेस है मेरी, और ये सब भी रिमूव होती है। तो इसको आप हर एक दिन छोड़ के एक दिन आप कर सकते हो। गर्मियों के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छा है, और इस तरह से हम कर सकते हैं, और कुछ भी पैसा भी नहीं लगेगा, फ्री में आपका घर पे आइस लीजिए और फेस पे इस तरह से आप डिप कर लो। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको फेस में मतलब थोड़ा सा पानी से घबराहट होती है तो प्लीज़ आप ये ना करें, सिर्फ आप आइस को लेके पूरे फेस पे लगा लें। अगर आपको पानी में डुबकी लगाने से दिक्कत होती है या आपको अस्थमा वगैरह की कोई दिक्कत है तो आप ये ना करें। मेरी भतीजी के भी पिंपल्स हो रहे थे तो उसको भी हमने बताया, तो उसने सिर्फ आइस लगाई और आप यकीन करिए कि उसके सारे पिंपल्स चले गए और उसकी स्किन इस समय काफ़ी अच्छी हो गई है। तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्किन को फ़ायदा करती है। अगर आपको नीम, गुलाब और ये सब नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ आइस को भी फेस पे लगा सकते हो, और ये आपकी टैनिंग को भी रिमूव करता है। तो इस तरह से हम 6 या 7 बार फेस को इस तरह से डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, निकालेंगे। और आप इसमें जो पत्तियां हैं इससे भी हल्के हल्के से मसाज कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर हम इसको हल्के से इस तरह से थपथपा कर पोंछ देंगे। आप चाहो तो कोई कोल्ड क्रीम भी लगा सकते हो या मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। आप देखो कितना अच्छा हमको रिलैक्स लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, स्किन भी काफ़ी टाइट लग रही है, अंदर से फील हो रहा है। तो आप इसको करके देखिए, और हमने कई बार किया है और मुझको बहुत अच्छा लगता है, स्किन में अच्छा सा कसाव आने लगता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीमा जेटली के नाम से है। थैंक यू, बाय।